दिल्ली की, साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी, ये है साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी ओखला मंडी। यहाँ पर आपको सब तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी और मैं आज यहाँ पर हूँ मिलेट ऑन द प्लेट मिशन पर और मैं आज यहाँ पर आकर खरीदने वाली हूँ हर तरह की सब्जियाँ थोक के भाव में। ये है थोक की मार्केट है, तो चलिए इस मार्केट में चलते हैं और आपको एक, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है और आज हम मिलेट्स ऑन द प्लेट मिशन पे हम चल पड़े हैं तो इस मंडी की भी सैर करते हैं। आइए मेरे साथ अमर और ये है शिव प्रकाश मिश्रा। ये है यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ ईजिली कोई एंटर नहीं कर सकता अपना व्हीकल लेकर, यहाँ के लिए आपको स्पेशल लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ज़रा यहाँ पर अमर जी से बात करती हूँ, प्लीज़ कम क्लोज़र। अमर जी, यहाँ पर मंडी क्या पूरे हफ्ते 7 दिन खुली रहती है? मतलब कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन मंडी में सब्जियाँ थोक के भाव नहीं मिलती हो? शुक्रवार को नहीं मिलती, शुक्रवार को मंडी बंद होती है, पूरी तरह से बंद होती है, कम कम खुला रहता है। अच्छा अच्छा, तो आपकी ड्यूटी मतलब पूरे दिन पूरे रात की होती है या मतलब चेंज होती है? राम राम काका, मेथी कैसे दिया? 20 के 2 कटिया। हर भाई, ये बड़ी ताजी मेथी है, ये आज ही खेत से आया क्या? ओके, बिल्कुल ताजी खेत सब्जियां आपको यहाँ मिलेंगी। और ये सब हरी मिर्चे, टमाटर बिल्कुल लाल, ओह वेरी नाइस। ये कौन सा, बॉम्बे का टमाटर है या ताज़ा? क्या क्या भाव है यहाँ? किलो के भाव तो मिलता नहीं है, घड़ी के भाव मिलता है ना? 80 रुपये। तो यहाँ पर घड़ी के हिसाब से मिलता है और ये 80 रुपये घड़ी है, तो काफ़ी सस्ता नहीं है? मेरे को तो लोकल सब्जी वाला इसको 80 रुपये किलो दे रहा था। वाओ वेरी नाइस। बैगन 10 रुपए किलो बैगन। ओ ये बबलू जी, ये इतने सारे कटहल मैंने कभी दिल्ली जैसे शहर में इकट्ठे नहीं देखे, तो ये थोक की मार्केट में कटहल का क्या रेट है? अमूमन रेट 40 रुपए का रहता है। 40 रुपए का रेट। सर आप यहाँ पर इस थोक की मार्केट में खरीदे आते हैं? 25 साल से थोक की मार्केट में खरीदे आते हैं सर, प्लीज कैमरे की तरफ। आपको यहाँ पर खरीदने का सस्ते की वजह से आते हैं? भाई है कि एक हफ्ते की मेरे को मेरा बजट होता है कि मैं नौकरी करता हूँ ना, मैं तो एक हफ्ते की छुट्टी लिया था मैं। तो आपको यहाँ का अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश सब्जियाँ लेने में और मज़ा भी आता है। मज़ा भी आता है, वैसे मैं भी आती हूँ यहाँ लेने। और ये तो मेन है कटहल का। हाँ बबलू, मुझे भी आपके कटहल बहुत लगे इस ओखला मंडी के अलावा। थैंक यू। ओखला मंडी में मेरी फेवरेट जगह जहाँ पर मुझे हरी भरी गार्निशिंग की चीज़ें मिलती है, ये सारा मतलब फल की दुकान है और यहाँ पर आपको फ्रेश हर तरह की ग्रीनरी मिलेगी। जैसे मुझे ये मिर्चें बहुत पसंद है, मुझे दिल्ली में कहीं नहीं मिलती ऐसी मिर्चें, तो मैं इस मंडी में आती हूँ तो मुझे बहुत ईजिली ये जिसे तड़का लगा के जैसे खाने के साथ खाने के लिए मिर्चें चाहिए होती है वो यहीं मिलती हैं। और ये हरी हरी एकदम फ्रेश धनिया, इतनी सारी धनिया कभी इकट्ठे नहीं देखी जो मंडी में ही मुझे मिलती है। और सारा मिर्ची ले जाते हैं ये जो पीछे रखी है, देखो पीछे रखी है ना, देखो लाल मिर्चें
और खाने वाले भी ले जाती है। मुझे बहुत सुंदर लग रही है। आप मुझे दिखाएंगे एक लाल मिर्च वहाँ से? है तो? मुझे एक रेड मिर्च दिखाएंगे? एकदम फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, एकदम खेतों से सीधा इनके दुकान पर इस मंडी में। और ये देखो दूसरी मिर्ची, भरवा मिर्ची बनाने के लिए अचार बनाते हैं ना लोग, वो भी आपको यहाँ फ्रेश मिलेगी यहाँ से लोग। अच्छा एक चीज़ और बताइए सर, बता रहा हूँ जी कि सही चाहिए यार। ये मन्ना देती मन्ना देती दोपलती दोपलती आदिति आदिति मन्ना देती पचास के दो भैया, भारत क्योंकि कभी हम अगर टमाटर का एक हम अगर पिक्चर बनाते हैं तो हम इसी तरह से उसको शेप देते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड दिस शॉप इज़ वेरी गुड। अंकल आपसे मैं बहुत पूछ सकती हूँ, आज मंडी में धड़ी का भाव है? धड़ी का रेट 100 रुपये। 100 रुपये धड़ी? अंकल आपकी दुकान सबसे महंगी क्यों है? नहीं महंगी नहीं है, सस्ती है। आप पीछे तो 80 रुपये धड़ी था। इनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़ा माल अच्छा है। अंकल आप डिस्काउंट देते हो? डिस्काउंट देते हैं, हमें मिलेगा डिस्काउंट। यस ओके नमस्ते। अलग क्वालिटी है सर। कौन कौन सी क्वालिटी होती है? जो पूना वाली है, नासिक वाली है। कौन सी पूना वाली है? पूना वाली वो है। पूना वाली दिखाना जरा। पूना वाली ये देखो, ये देखो, ये देखो पूना वाली क्वालिटी। पूना वाली ये देखो। अच्छा इसमें क्या खास बात होती है? ये होता है बड़ी जाली होती है, पानी का मुराद है। अच्छा आँखों में लगती है वो नहीं होती। ये अच्छी क्वालिटी पानी जाती है? तो जो प्याज आँखों में लगता है वो अच्छा होता है या कम लगता है वो अच्छा होता है? जो काम करने वाले उनके लिए जो कम लगता है वो अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए तो लगने वाला अच्छा है ना। मैं रोऊंगी तो मेरे हस्बैंड मेरे को इससे ज़्यादा वो मेरी ईगो मसाज करेंगे और मेरे लिए थोड़ा करके, जो मेरी बीवी बहुत काम करती है। तो मैं सारी लेडीज को कहूँगी जिसमें ज़्यादा आंसू आए वही लीजिए। अच्छा ये बिल्कुल वो था अल्बर वाला? अल्बर वाला तो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जो हस्बैंड घर में ना हो तो पुणे वाले ले लो। अच्छा ये कौन सा प्याज है? ये नासिक वाला। नासिक वाला इसमें क्या खास बात है? ये एक नंबर प्याज है, इससे कोई प्राइस नहीं होगी। तो रही जी तो मैं लूँ तो मैं कौन सी प्याज लूँ? आप ये दोनों। अच्छा और ये कौन सी प्याज है? वो एमपी है। सबसे मूडी कैमरामैन
जिसने बनाई है सारी वीडियो, दिलीप कुमार। लोजी एक किलो काली गाजर छोड़िए, कोई भी खा के देख लो, छीन लो एक किलो।